press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ग्रुप फोटो इसके बाद ले लेंगे, और जाने से पहले तो पक्की बात है ऐसा कभी हुआ नहीं, ग्रुप फोटो हुई नहीं है, तो झूठ मत बोलना। रेडी? सो कैन वी हैव सम लाइट ऑन द मीडिया आल्सो प्लीज, आई कांट सी देम। ओके, थैंक यू। सो एनीबडी विद एनी क्वेश्चंस, और शुड वी फिनिश इट ऑफ? Somebody give the mic there. Hi, Agnes sir, Alok here, आपके सेंटर में। सर सवाल ये है कि एक तो ट्रेलर बहुत अद्भुत है, इंतजार है, ट्रेलर काफी दिल को छूता भी है, और गाने भी दोनों बेहतरीन से लगे। तो कौन सा तार छेड़ा है आपका, मतलब कौन सा तार छुआ है आपके दिल में? सर देशभक्ति की भावना, खास तौर से जब नेशनल एंथम आता है और अपने हम कहीं भी रहते हैं तो खड़े हो जाते हैं, मेरे दिन की शुरुआत ही नेशनल एंथम से होती है। सवाल यह है कि गोल्ड जो पदक होता है ये आपके निजी जिंदगी में कितना अहम है, क्योंकि आप भी स्पोर्ट्स से एक जमाने से जुड़े हुए हैं। खैर हमने बचपन से, चाहे स्पोर्ट्स डे हो स्कूल में जब होता था तो तभी वो होता था, जो नंबर वन आएगा उसको गोल्ड मिलेगा, टू आएगा उसको सिल्वर, थर्ड जो ब्रॉन्ज, तो गोल्ड एक बहुत बड़ी बात होती थी और अभी भी है। हाल ही में मेरे लिए मतलब करीबन दो ढाई साल पहले मेरा बेटा गोल्ड मेडल लिया उसने मार्शल आर्ट के अंदर, ब्लैक बेल्ट मिला उसको, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। सो हमने सेलिब्रेट किया उस बात को। तो गोल्ड एक जो चीज़ है, एक परिवार के लिए, एक देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब अगर नहीं मिलता है तो वो कमज़ोर समझना चाहिए अपने आप को, हमें और मेहनत करनी चाहिए और उस चीज़ को हासिल करनी चाहिए। हाल ही हमारा देश, हमें फिलहाल कॉमनवेल्थ में हमें कितने गोल्ड मिले इस टाइम, करीबन 18-19 मिले, 18-19 गोल्ड मेडल मिले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं कॉमनवेल्थ में हिंदुस्तान को। सो बहुत बड़ी बात है, सो इट मीन्स अ लॉट। एंड रीमा, कैप्टन ऑफ द शिप हैं आप, मैं चाहूँगा कि या तो लेफ्ट से या राइट से सबकी एक एक खूबी जो एक डायरेक्टर के तौर पर आपने फील की है, महसूस की, अगर आप बता सकें, अमित से लेके सनी तक।
या सनी से लेके अमित? सो आई थिंक विद सनी इट्स जस्ट ही इज सच अ नेचुरल एक्टर, इट्स अ ड्रीम फॉर अ डायरेक्टर. विद विनीत डायरेक्टर की जरूरत ही नहीं है, ही इज सो गुड, खुद ही कर लेगा. सिमिलरली विद अक्षय सर, इट्स यू नो इट्स जस्ट बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. विद सिमिलरली विद मोनी, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम यू नो हर एक्टिंग केपेबिलिटीज, मोनी कीप्स अ कॉन्स्टेंट बैंटर ऑन एट द वीडियो असिस्ट, सो यू कैन नेवर हैव अ बोरिंग डे विथ हर अराउंड. Kunal, I think it's his the gravitas that he brings to the part that he plays. And Amit Saad, again, I mean, apart from the obvious acting, you know, I think brother and friend for life. Thank you. Alok, कभी तूने ऐसा question पूछा है कि और किसी ने जवाब दिया कि नहीं मजा नहीं आया इसके साथ काम करके? नहीं सर, मेरा ये सवाल तो तू पूछता क्यों है? सर मैं जानना चाह रहा था कि सभी बोलते हैं हाँ बहुत बड़ा है, ये बहुत कमाल है, ये तो कमाल ही है, ये तो उससे भी कमाल है. तो मैं बोलो ये क्वेश्चन जो होता है ना, मैंने हमेशा देखा है, आज तक किसी ने बोला मैं बस ये मेरी आखिरी फिल्म है, इस आदमी के साथ मैं फिल्म नहीं करूंगा, मैं इसके साथ कभी काम नहीं करूंगा. अच्छा सर एक अहम सवाल पूछता हूँ, पिछले दिनों सत्यमेव जयते के ट्रेलर लॉन्च पे जब एक सवाल किया गया जॉन अब्राहम से कि आपकी भी फिल्म आ रही है उनकी भी फिल्म आ रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ही इज अ फ्रेंड और एक दिन पे दो फिल्में आ सकती हैं. आपको कैसा लगता है सर क्योंकि एक ही दिन पे ये दोनों फिल्में आ रही हैं? ही इज अ फ्रेंड बिल्कुल सही है, ही इज माय फ्रेंड. और हमारी इंडस्ट्री बेसिकली वी आर ऑल फ्रेंड्स. वैसे मैं पानी पी लूं. सॉरी. सो जैसे बिल्कुल जॉन ने बिल्कुल सही कहा, वी आर फ्रेंड्स. और हम सब फ्रेंड्स हैं पूरी इंडस्ट्री में. और मैंने भी ये सीखा है कि फ्रेंड्स हैं, कोई भी किसी के डेट पे आ सकता है, साथ में आ सकता है. तो अगली बार मैं भी यही करूँगा, वी ऑल फ्रेंड्स. थैंक यू सर. बिकॉज देयर ऑल्सो वी वर ऑल फ्रेंड्स. हम सब दोस्त हैं, पूरी इंडस्ट्री दोस्त है. आप कोई भी दिन हो, ईद, दिवाली, क्रिसमस, सब आएंगे, मिल मिल के आएंगे क्योंकि हम सब दोस्त हैं. अरे बस ना चाचा गोल्ड के बारे में बोल ले, बस बस हो गया, बस बस वी आर फ्रेंड्स, आप और मैं भी दोस्त हैं. ओके अक्षय सर, अक्षय सवाल था. हाय अक्षय सर, आपसे ये सवाल था कि हॉकी हमारा सबसे पुराना गेम है और लेकिन फिर भी उसको वो मुकाम नहीं मिल पाया जो उसे मिलना चाहिए था, और अभी हम देख रहे हैं कि सुरमा आ रही है, गोल्ड आ रही है, तो क्या लगता है किस तरह से हॉकी को एक और अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, दर्शकों तक पहुँचेगी तो लोग कितना उससे जुड़ पाएंगे? हाँ अच्छी बात है कि वैसे भी आपको देखो हॉकी जो है, पहले फिल्म एक चक दे भी बनी थी और उसमें भी काफ़ी कुछ हुआ था, अच्छा हुआ था, फिल्म अच्छी गई थी हॉकी के बारे में. मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे क्रिकेट को बिना मतलब क्रिकेट को साइड में रखते बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जैसे अभी कबड्डी भी काफ़ी ऊपर आ रहा है, हॉकी भी ऊपर आ रहा है, फुटबॉल आ रहा है, लोग यंगस्टर्स जो हैं वो देखना चाहते हैं अलग अलग किस्म के स्पोर्ट्स. सो इस फिल्म को लेके हॉकी के क्रेज और बढ़े, लोगों को पता चले हिस्ट्री के बारे में कि क्या हुआ था 1948 में, हमारा पहला गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड जो हमें मिला था. तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग, इट इज़ अ मस्ट थिंग, एंड इट शुड हैपन दैट हॉकी शुड कम अप मोर एंड मोर. एंड इवन आई थिंक द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अ लॉट एंड थिंग्स आर चेंजिंग अ लॉट इन आवर कंट्री.